वेलकम फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ में आपका स्वागत है। इसमें हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर। इसके अंदर रेशियो एनालिसिस भी पढ़ा जाता है। रेशियो का मतलब सबको पता ही है, दो संख्याएं जिनको हम अपॉन में लिखते हैं, ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर अंश और नीचे हर, तो उन्हीं दो संख्याओं में जो रिलेशन होगा उसे रेशियो कहेंगे, और अकाउंट से संबंधित जो रिलेशन होंगे उन्हें अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। इसके अंदर हमें चार तरह के रेशियो पढ़ने हैं। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, सोलवेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, और एक होता है प्रोफेबिलिटी रेशियो। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेबिलिटी रेशियो। तो पहला है जैसे लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमें पढ़ना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और लिक्विडिटी रेशियो, इसका फार्मूला क्या हुआ? तो इसका फार्मूला हुआ आपका लिक्विड एसेट्स या क्यूक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो या क्यूक रेशियो भी कहते हैं। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और अगर मान लो हमें करंट असेट्स निकालना है, तो करंट असेट्स निकालते समय आपको जो डेटर होता है उसमें से प्रोविजन को माइनस कर लेना है, यानी डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट घटाने के बाद जो बचेंगे नेट डेटर वो लेना है। बिल्स रिसीवेबल लेना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी लेना है, कैश और बैंक बैलेंस भी लेना है, ठीक है, एक्रूड इनकम भी लेना है, स्टॉक लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस लेना है। लेकिन ध्यान देना है कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है जब हम करंट असेट्स को निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी ध्यान रखना है कि करंट लायबिलिटी में आपको ट्रेड क्रेडिटर लेना है, बेस पेबल लेना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। क्विक असेट्स निकालते हैं तो करंट असेट्स में से आपको स्टॉक घटा देना है। करंट असेट्स में से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो ही है सिलेबस में, तो ये दो घटा दोगे करंट असेट्स में से, स्टॉक माने इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दोगे तो क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर दो एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये भी घटा देना है, एडवांस टैक्स और एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, अगर ये दिख जाए तो इनको घटा देना है। तो करंट असेट में से स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस घटा देना है तो आपका क्विक असेट्स आ जाएगा, ये मिल जाए तो ये भी घटा देना है। वर्किंग कैपिटल भी याद कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले जो होते हैं, ये जो इतने फॉर्मूले हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, ये आपको लिक्विडिटी रेशियो में काम आते हैं। तो पहला आपका मैंने पूरा करा दिया लगभग, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में ध्यान रखना है कि डेटर में से प्रोविजन को शामिल नहीं करना है, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को शामिल नहीं करना है। और लिक्विड असेट निकालने के लिए करंट असेट्स में से स्टॉक यानी इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ देना है, घटा देना है, तो आपका लिक्विड एसेट्स या क्यूक एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो के फॉर्मूले हुए, इसमें चार पढ़ना है हमें। एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये हमें चार पढ़ना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी से रहेगा, और इक्विटी का मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड से रहेगा। तो डेब्ट अपॉन में इक्विटी का हो या नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर फंड का हो, एक ही बात है। टोटल असेट टू डेट रेशियो में टोटल असेट्स ऊपर ले लेना है, टोटल असेट्स नहीं मिले तो टोटल लायबिलिटी ले सकते हैं, और डिवाइड कर देना है डेब्ट से। डेब्ट नहीं मिलेगा तो उसकी जगह नॉन करंट लायबिलिटी ले लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी को ही डेब्ट बोला जा रहा है, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से, तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके डिवाइड दे देंगे इंटरेस्ट से, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से डिवाइड दे देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर, वो टाइम्स में आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम है रेशियो, लेकिन आता है आंसर टाइम्स में, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है या डेटर है, मतलब डेब्ट है, ये शेयर होल्डर फंड है, इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो शेयर होल्डर फंड में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अगर आप जोड़ दोगे तो शेयर होल्डर फंड कहलाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इनको जोड़ने से आपका क्या निकल आता है, शेयर होल्डर फंड। नहीं तो आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है कि कैपिटल इम्प्लॉय निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ा जाता है, कैपिटल इम्प्लॉय निकालने के लिए टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दिया जाता है तो आपका कैपिटल इम्प्लॉय आ जाता है, और नॉन करंट लायबिलिटी में वर्किंग नोट जोड़ दोगे तो भी आपका मतलब कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाएगा। टोटल डेटर निकालने के लिए आपको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों जोड़ना होगा, और नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम डेब्ट बोलते हैं, ठीक है। और उस डेब्ट में अगर हम करंट लायबिलिटी को भी जोड़ लें तो आपका टोटल डेब्ट निकल आता है, ठीक है। तो ध्यान देना है टोटल डेब्ट का मतलब। फिर है टोटल एसेट, टोटल एसेट निकालने के लिए हम टोटल डेब्ट में, ठीक है ना, जो टोटल डेब्ट यानी ये दोनों, इन दोनों में शेयर होल्डर फंड जोड़ देंगे तो आपका टोटल एसेट निकल आएगा, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कि हमारा ना ऐसे बैलेंस शीट है, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट में दो साइड होता है, इधर होता है आपका लायबिलिटी माने टोटल लायबिलिटी मान लो, इधर आपका टोटल एसेट्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल लायबिलिटी में क्या क्या होता है, एक होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, एक शेयर होल्डर फंड हो गया, ठीक है। फिर उसमें आपका नॉन करंट लायबिलिटी हो गया और फिर करंट लायबिलिटी हो गया। तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों कहलाता है टोटल डेट, और ये जो अकेला नॉन करंट लायबिलिटी होता है इसी को डेब्ट कहते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में, ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड में अगर हम टोटल डेब्ट जोड़ दें यानी ये दोनों जोड़ दें तो यही आपका कहलाएगा टोटल लायबिलिटी। मतलब टोटल लायबिलिटी के यही तीन पार्ट हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो अगर इन तीनों को जोड़ दें या फिर शेयर होल्डर फंड में टोटल डेब्ट जोड़ दें तो आपका क्या निकल आएगा, टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है टोटल एसेट्स के। तो यहीं पे वो टोटल एसेट बराबर लिख रखा है कि टोटल डेब्ट, मतलब टोटल एसेट बराबर टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। और अगर शेयर होल्डर फंड में अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दें तो ये दोनों का जोड़ कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉय। तो ये कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीन आते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे टोटल असेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स असेट्स, है ना, फिक्स असेट्स और फिर करंट असेट्स। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल असेट्स आ जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे हमें याद करना था टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, पहला हो गया कि डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट का मतलब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी है और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का टोटल एसेट्स अपॉन में नॉन करंट लायबिलिटी है, प्रोप्राइटरी रेशियो का शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स है, ये परसेंटेज में आता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट और डिवाइड में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको डिबेंचर पे लेना पड़ता है, ठीक है, डिबेंचर पे लेना पड़ता है, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग के इंटरेस्ट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक्टिविटी रेशियो सीखेंगे। एक्टिविटी रेशियो में हमें पढ़ने हैं चार, पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये हमें चार पढ़ने हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड दे देते हैं एवरेज इन्वेंटरी से, तो इसका आंसर टाइम्स में आता है, तो यही कहलाता है आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका होता है, यहाँ और लिखा हुआ है, एक होता है ओपनिंग इन्वेंटरी यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न को बोलते हैं नेट परचेज। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ लेते हैं जो 11 में हमने पढ़ा था, जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं, और घटा देते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है, इसी को कॉस्ट ऑफ
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंटरी और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इतना करने के बाद भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो तो उसको हमेशा सेल पे लेते हैं, सेल यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ही अज्यूम करके सवाल को सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब रह गया एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बटे में दो ले लेना है, तो ये आपका एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगा, ठीक है। और ये भी थोड़ा फॉर्मूले हैं याद कर लेना है, शेयर होल्डर फंड का कैपिटल एम्प्लॉय माइनस लॉन्ग टर्म डेब, या फिर नेट फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, नेट फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस लॉन्ग टर्म डेब। तो ये भी आपका फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड का होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भाग दे देंगे एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बटे दो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही नेट सेल कहते हैं, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट सेल, ठीक है, इसे सेल कहते हैं। तो इसके लिए आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा यानी टोटल सेल, उसमें से आप कैश सेल घटा दोगे तो आपका क्रेडिट सेल निकल आएगा, और अगर सेल रिटर्न दिया हो तो वो भी घटा दोगे तो आपका नेट सेल निकल आएगा, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। और फिर ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। तो डेटर को ध्यान रखना है कि डेटर में से डोंट डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेटर में से ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे नहीं घटाना है, ठीक है। जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो जो टोटल मतलब ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे तो उसके अंदर जो डेटर होते हैं उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आपको नहीं घटाना है। यहाँ डोंट लिखा हुआ है कि डोंट डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ के, और फिर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल को जोड़ लेंगे और सबको दो से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एवरेज आ जाएगा। फिर इसी में एक और होता है कि डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए फार्मूला, तो इसको 12 को डिवाइड दे देंगे टोटल, मतलब 12 को डिवाइड दे देंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, तो ये मंथ में आंसर रहेगा। और अगर हम 365 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से भाग देंगे तो डेज में आ जाएगा। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड पूछ लेगा तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला नेट क्रेडिट सेल और डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बता दिया कैसे निकालना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बटे में दो। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल लेना है, ठीक है। और नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्या करना है कि आपको जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा उसमें से कैश सेल और सेल रिटर्न घटा देना है तो आपका नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल लिया जाता है और उसको टोटल मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड किया जाता है। ऐसी फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज और डिवाइड में एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज भी कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकालने के लिए सेम वही तरीका है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रेड पेबल में क्या आता है, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल आते हैं, और नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको जो टोटल परचेज दिया होगा, ठीक है ना, टोटल परचेज उसमें से आप कैश परचेज और परचेज रिटर्न घटा देंगे, ठीक है। तो आपका नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। और फिर आपको क्या चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल, उसके लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बटे में दो ले लेंगे तो आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। फिर नेट क्रेडिट परचेज को एवरेज ट्रेड पेबल से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, तो आपका निकल आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसी में फिर आपको पूछा जाता है कि एवरेज पेमेंट पीरियड बताना है, तो 12 को महीने में निकालने के लिए 12 को भाग दे देंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और अगर डेज में निकालना है तो 365 को भाग दे देंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा वाला बहुत ईजी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है
नेट सेल डिवाइड में वर्किंग कैपिटल, और अगर नेट सेल नहीं मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल को डिवाइड दे देंगे वर्किंग कैपिटल से, और कॉस्ट ऑफ गुड सेल का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वर्किंग कैपिटल से भाग देके भी निकल जाएगा। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हो तो नेट सेल नाम दिया होगा, या ये नहीं दिया हो तो फिर इमरजेंसी में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके उसको वर्किंग कैपिटल से भाग दे देंगे। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे इतना सारा बताया था तरीका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, तो तीन तरीके हैं इनसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो ख़त्म हो गया। इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया। अब रह गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सीखना है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो सीखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, और फिर आरओआई निकालना है, ठीक है। तो आरओआई का क्या नाम हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। तो फार्मूले मैंने इसी में चेप दिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल गुना में 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर मिल जाए तो आफ्टर टैक्स, नहीं तो नेट प्रॉफिट बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुना में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुना में 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुना में 100। तो इन चारों के तो डिवाइड में क्या रहने वाला है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस आखिरी वाले का थोड़ा अलग है, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और इसको डिवाइड दे देंगे कैपिटल एम्प्लॉय से गुना में 100। तो पूरे रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयज आखिरी वाले में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना है इसका, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये तीनों को घटाने के बाद से पहले का प्रॉफिट लेके उसको कैपिटल एम्प्लॉय से भाग दे देना है गुना 100। कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे, ठीक है। अब इनके बारे में जैसे फॉर्मूले ये याद कर लेना है, इसके अब इनके भी फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, और नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो इसके लिए पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट 11वीं में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या लिखते थे, सेल माइनस सेल रिटर्न, उसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर यहाँ लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। फिर यहाँ ओपनिंग स्टॉक होता था, उसे ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दिया। फिर परचेज होता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो हम यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अभी पढ़ा था कि हमने ओपनिंग स्टॉक जोड़ा था, परचेज जोड़ा था, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा था, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया था। तो इतना फॉर्मूला आपको क्या दे देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देता है। और वही अगर हम ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये याद हो गया, तो अगर हम ये साइड जोड़ के ये घटा दें, मतलब ये तीनों घटा दें, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर हो जाता था। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में हम इन कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इतना जोड़ देते हैं तो ये टोटल आ जाता था। फिर इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटा देते। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो फर्म को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो गैर जरूरी खर्चे, बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं थे लेकिन फालतू के हो गए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, एम्प्लॉय को जो भी देते हैं सैलरी वैली सब आ गए इसमें, ठीक है, सैलरी कमीशन सब आ गए। ऐसी फिर डेप्रिसिएशन भी इसी में आ गया, याद रखना, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या लॉस ऑन थेफ्ट एंड फायर, ऐसे इंटरेस्ट पेड, डोनेशन और चैरिटी, तो इतने को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो फिर हम ये साइड जोड़ के जब ये साइड घटाते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस हैं, ठीक है। तो इतने के बाद यहाँ पे अब ध्यान देना है,
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए अगर आपको, ठीक है ना, तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो यानी ये ऐड करना है, ये ऐड करना है और क्या घटाना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा देना है, यानी ये दोनों को जोड़कर, और अगर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा दें तो यही बन जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर ऐसी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ग्रोस प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना, अदर ऑपरेटिंग इनकम या अदर इनकम, फिर उसमें हम घटा देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर चाहिए तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है, ये जो ग्रोस प्रॉफिट आया था, ठीक है ना, तो इसमें जोड़ दो ऑपरेटिंग इनकम यानी ये कमीशन रिसीव, और घटा दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ये वाले सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दो, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दोगे तो भी आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने सीखा था, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे ना तो ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे तो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों का टोटल 100 होता है। अगर पेपर में ये दिया हो तो ये निकालने के लिए 100 में से इसका परसेंटेज माइनस कर देना, तो ठीक है ना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का टोटल 100 होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाओगे तो भी आ जाएगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम फॉर्मूला होता है। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा टेबल मैंने समझाया ये भी याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, और ये फॉर्मूले जो है ये अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है आखिरी वाले क्वेश्चन में, रिवेन्यू मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बोलते हैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉय गुना में 100। अब बच्चे जब इस वाले भाग को कर रहे होते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉय में शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी तो लेते ही हैं, दोनों को जोड़ के निकल आते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। लेकिन ध्यान रखना है अगर पर्सन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हो तो उसे माइनस कर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉय को जब इस केस में निकालोगे तो फिर आपको शेयर होल्डर फंड में और जोड़ देना है नॉन करंट लायबिलिटी और उसमें से घटा देना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये जरूर घटाना है। और या फिर दूसरा तरीका है टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा देना और फिर उसमें से जरूर घटा देना अगर पर्सन में दिया हो तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा देना। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से शुड बी एक्सक्लूडेड वाइल द कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो इतना काफ़ी था।